तो महाराष्ट्र संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बगावत की जंग में अब राज ठाकरे की भी एंट्री होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीती रात एकनाथ शिंदे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से फोन पर बातचीत की। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे ने राज ठाकरे की सेहत का हालचाल जाना। तो महाराष्ट्र में बगावत की जंग में राज ठाकरे की एंट्री हो गई है। राज ठाकरे से फोन पर एकनाथ शिंदे ने बात की, उनकी सेहत का हालचाल जानने के मकसद से फोन कॉल किया गया था। उद्धव सरकार में शामिल शिवसेना के कोटे से 13 में से 9 मंत्री पाला बदल चुके हैं। ये सभी उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर अब एकनाथ शिंदे गुट का हिस्सा है। इसके अलावा 30 विधायकों ने भी उद्धव का साथ छोड़ दिया है। ताजा मामला मंत्री उदय सामंत का है, जो कल ही सूरत से गुवाहाटी जाकर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए, जिनका स्वागत खुद एकनाथ शिंदे ने किया। बीते दिनों हिंदुत्व के एजेंडा को हवा देते हुए इन बागियों ने उद्धव पर कई प्रहार किए, जिस पर पलटवार करने में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी देरी नहीं की। ये अभी झलक है, पिक्चर अभी बाकी है। हमारे जो विधायक यहाँ से चले गए 56 जाए तो हम 156 यहाँ पे लाने की ताकत शिवसेना में है। ये अपनी शिवसेना है, बाला साहब ने बनाई है और ये बाला साहब के दम पे बनी है। बीजेपी के सरकार बनाई है, हम उद्धव साहब को 1.5 साल से बोल रहे, वो नहीं सुन रहे, इसीलिए ये बगावत हो गई। लेकिन अब ये मुद्दा सत्ता के सियासी समीकरण को भी बदल सकता है। सियासी फिजा में खबर तैर रही है कि अगर अदालत की तरफ से फैसला बागियों के हक में नहीं आया तो शिंदे गुट का एमएनएस में विलय हो सकता है। जहां बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर उनके लिए राजनीति में पैठ बनाना आसान होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो ये गुट एमएनएस के एक विधायक के साथ बीजेपी की सरकार बनाने में कारगर होगा। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी एमएनएस बीजेपी के पक्ष में मतदान कर चुकी है। बाबा, बाबा। पूर्णिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।